So, देखते देखते 2019 के 8 महीने गुजर गए हैं एंड नाउ इट्स अगस्त। थोड़ा अजीब लग रहा है, आई नो। जनवरी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ सेकंड्स पहले ही तो हुआ करता था। ये एग्जैक्ट रिएक्शन है लोगों का आर्टिकल 370 हटने के बाद। ये देख आर्टिकल 370, देख, अरे कहाँ गया? अभी तो था। अब अगस्त ऑब्वियसली जाना जाता है इंडिपेंडेंस डे, मॉनसून्स, इन सब चीजों के लिए। लेकिन अगस्त के बारे में एक और चीज है जिसके ऊपर कभी किसी ने बात ही नहीं की, बर्थडेज। साला जिसको देखो उसका बर्थडे अगस्त में है यार। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अगस्त हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्थ इन दिस होल वर्ल्ड। इवन मेरे ज्यादातर पेट कैट्स का भी जन्म अगस्त में हुआ है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया का पॉपुलेशन प्रॉब्लम यूं ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बस कैलेंडर में से इस अगस्त को हटा दो। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना, अभी देखो मेरा कमेंट सेक्शन कैसे भरता है। भाई, मेरा भी बर्थडे अगस्त में आता है। अब बहती गंगा में मेरे मम्मी पापा ने भी हाथ धो लिए एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा भी बर्थडे अगस्त में ही आता है। मैं डेट तो नहीं बताने वाला। ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। तब तक अगर इतना पेशेंस है तो देखो वीडियो को एंड तक। अब पेशेंस तो हुआ करता था बचपन में, क्योंकि मैं पूरे साल इंतजार जो करता था अपने बर्थडे के लिए। बट एज के साथ साथ सब बदल जाता है। पहले जैसे था कि चॉकलेट्स बांटना है, लोगों को इनविटेशन देना है, गिफ्ट चाहिए। अभी तो ऐसा हो गया है कि बस कैसे एक दिन छुट्टी मिल जाए, बर्थडे के दिन कोई काम ना करना पड़े बस। है तू तो वैसे भी पूरा दिन कोई काम नहीं करता साले। And you know what's the most irritating part? जिस तरह से लोग तुम्हें बर्थडे विश करते हैं, like मैं आराम से सोया हूँगा अपने बेड पे एंड हेलो भाई, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक। हाँ, सेम टू यू भाई, हैप्पी बर्थडे। अरे बोला ना तेरे को हैप्पी बर्थडे, सेम टू यू। अरे तेरा बर्थडे है आज। ओह अच्छा, और कुछ बोलना है? नहीं। ओके बाय। नहीं यार सीरियसली, तुमको कोई अगर आके हैप्पी बर्थडे बोलता है ना, तो तुम्हारे पास ऐसा कोई लेजिटिमेट रिप्लाई है ही नहीं उसको देने के लिए। लाइक बचपन में वो पूरे क्लास के सामने खड़ा करके विश नहीं करते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मुझे समझ नहीं आता था यार, अब मैं बोलू क्या? भारत माता की। जय हो। और मुझे कितना बुरा लग रहा है मालूम, इस साल मैं 20 का हो जाऊंगा, मतलब वो टीनेजर वाला टैग मेरे से हट जाएगा एंड मैं ऑफिशियली चला जाऊंगा उस एडल्ट कैटेगरी में। मतलब वो वाला एडल्ट कैटेगरी नहीं, एज वाला एडल्ट, ठीक है। पेरेंट्स, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स के लिए तुम कभी बड़े नहीं होते एंड कहीं ना कहीं उनको भी पता होता है बच्चों के डिमांड्स कितने ज्यादा होते हैं। मैं अभी किसी बच्चे को देखता हूँ, ओ माय गॉड, आज मेरा बर्थडे, मेरे को अटेंशन दो। लाइक इट्स सो अनोइंग। इतना खुश किस वजह से है भाई तू? हैं? तेरा बर्थडे है मतलब क्या सूर्यमंडल में तेरे लिए कुछ स्पेशल तारे चमक रहे हैं, या मोदी जी स्वयं तेरे बर्थडे को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना, सो जस्ट शट द फक अप एंड चिल। आई नो ये बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर तुम एक अडल्ट हो मेरे तरह तो समझ गए होगे, या अगर तुम एक बच्चे हो और ये तुम्हें काफी ऑफेंडिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो को 5-6 साल बाद देख लेना। अब ऐसे चोमू अटेंशन सीकर्स के लिए हमारे पूर्वजों ने एक प्रथा शुरू की थी गिफ्ट्स देने का, एज अ सिंबल हम अप्रिशिएट करते हैं तुमको कि तुमने यहाँ आके इस दुनिया का बोझ बढ़ाया है, सो कांग्रेचुलेशंस। और अभी के जमाने में ना ये गिफ्ट देने वाला सिस्टम पूरी तरह करप्ट हो चुका है। साला ट्रीट सबको चाहिए, पार्टी सबको चाहिए, लेकिन जहाँ गिफ्ट देने की बात आती है तो इनकी पतलूने ढीली हो जाती है। बचपन से अभी तक मुझे जितने गिफ्ट्स मिले हैं उसमें से आधे तो टूट चुके हैं और आधे तो लिटरल गिफ्ट्स है भी नहीं। कुछ इरिटेटिंग लोग नहीं होते, हाथ में पैसे पकड़ा के चले जाते हैं। अरे बेटे हमको तो सूझा नहीं क्या देना है, इसलिए तुम अपने पसंद का कुछ भी ले लेना। अबे चूतिए, सुन इधर आ, सुन इधर आ।
तू इतना सा डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि एक बच्चे को क्या गिफ्ट देना है, लाइफ में क्या करेगा तू है? और ये पैसे ना मेरे पॉकेट में जाएंगे भी नहीं, अभी मम्मी आएगी और सारे पैसे लेके चली जाएगी। तू मेरे मम्मी से पैसे वापस ला करके देगा क्या है? देगा क्या तू? इससे भी ज्यादा इरिटेटिंग वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली मुंह पे पूछ लेते हैं, अरे बेटे क्या चाहिए आपको इस बार बर्थडे में बताओ। अंकल वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस एक RTX 2080 Ti डुअल मॉनिटर वाला PC, एक प्राइवेट जेट, 3-4 प्लेट बिरयानी और मियां खलीफा के साथ एक मीटअप, बस इतने में मेरा हो जाएगा। और कुछ लोग तो इतनी गवारों वाली हरकतें करते हैं ना, गिफ्ट्स खरीदने ही नहीं जाते, इसका उसको चिपका देते हैं। तुम लोग यकीन करोगे, हमने दिवाली में किसी को कोई गिफ्ट दिया था, वो 4 घर घूम के वापस मेरे को अपने बर्थडे में वही मिल गया। देख रहे हो कितनी एफिशिएंट है हमारी इंडियन सोसाइटी, मतलब हमको पता है कि चीजों को फेंकते नहीं है, रिसाइकल करते हैं। अब गिफ्ट्स देने के मामले में मेरे मम्मी का थोड़ा अलग लॉजिक है। मुझे हर बार मम्मी चॉकलेट्स ही देती है, लेकिन फिर बोलती है कि ये खाना मत, ओके, जब दांत खराब हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, तब पता चलेगा। एक सेकंड, पहली बात तो ये आप खुद लेके आई हो, और दूसरी बात चॉकलेट तो खाने के लिए ही होता है ना, इसको क्या मैं अपने सर के ऊपर ताज बना के घूमू? मुझे लगता है कि अभी ना बहुत इजी हो गया है, लाइक फेसबुक नोटिफिकेशंस, गूगल कैलेंडर, ये सब आने के बाद जो लोग एकदम खुश हो जाते हैं ना, मेरे को 200 लोगों ने, 300 लोगों ने विश किया। मैं बता रहा हूँ, तुम एक साल नोटिफिकेशन ऑफ करके देखो, घंटा कोई विशेस नहीं आएंगे। सीरियसली मैं सोच रहा हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं भी एक चैलेंज स्टार्ट करूँ, टर्न ऑफ द बर्थडे नोटिफिकेशन चैलेंज। बर्थडे नोटिफिकेशन ऑफ करने के बाद भी जिन लोगों को याद रहेगा ना, दे आर द वंस जो एक्चुअली में तुम्हारी परवाह करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मुझे पता है कि सभी कोई मेरे जैसे बोरिंग नहीं होते, कुछ लोगों को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत पसंद होता है, तो ठीक है यार, इट्स ऑल राइट। बट फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने के चक्कर में अपने पेरेंट्स को मत भूल जाना। मेक श्योर अपने बर्थडे में तुम थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड करो, स्पेशली तुम्हारी मम्मी के साथ, बिकॉज उन्होंने ही 9 महीने दर्द झेल के तुम्हें जन्म दिया है, जिसको तुम आज सेलिब्रेट कर रहे हो। अब ये कोई भक्ति चैनल जैसा क्यों साउंड कर रहा है? ऑलराइट गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ मुझे पता है मैंने अपना बर्थ डेट नहीं बताया, भूला नहीं हूँ मैं, तो कल है मेरा बर्थडे, मतलब अगर तुम लोग जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की है उसी दिन देख रहे हो तो कल है 11th अगस्त, कन्फ्यूज मत होना है। मैं चला चद्दर डाल के सोने, अब तो सीधा 12th अगस्त को ही उठूंगा।